हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई निमसेट 2021 की रैंकिंग के लिए। अब चॉइस फिलिंग का टाइम आ गया है, आज से लेके आपके पास 28 तक का टाइम है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चॉइस फिलिंग के पहले आपको बताना चाहूंगा। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बाई चांस रैंक कार्ड नहीं खुल पा रहे हैं, पैनिक मत होइए और चॉइस फिलिंग में भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि एक बार चॉइस फिलिंग लॉक कर दी तो चेंज नहीं हो पाएगा। कभी भी किसी चीज में पैनिकनेस नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपने निमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लिया होगा, रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल निमसेट 2021। और ये शेड्यूल है कि आप लोगों को 24th से लेके 28th तक चॉइस फिलिंग करनी है। तो मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि 25th या 26th को करिए, ना 24th को करिए ना 28th को करिए। वो इसलिए कि एक बार आपने चॉइस फिलिंग करी तो चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा, चॉइस फिलिंग के समय आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल चॉइस फिलिंग करके लॉक करना है। फिर जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा 31 को, तो दो बातें होंगी, या तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या आप अपग्रेड करोगे। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, फी ये सब पे करनी होगी, और अपग्रेड कर दिया तो आगे चले जाओगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कि आप कैसे करोगे चॉइस फिलिंग। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि यहां पर अपना रैंक देखने का भी यही तरीका है, यहां पर ईमेल और अपना पासवर्ड डालिए। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा, और इस पेज को जब आप ओपन करेंगे तो आपको देखिए नीचे चार चीजें दिख रही होंगी, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये खत्म हो गई बात, एडमिट कार्ड ये भी खत्म हो गई, रैंक कार्ड, अगर आपका रैंक कार्ड अभी तक नहीं मिला है तो यहां से मिलेगा, और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो चॉइस फिलिंग हो सकता है। किसी किसी बच्चे को अभी भी सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर प्रॉब्लम आए तो आप आज के लिए अगे कल कर सकते हैं। अब जैसे ही चॉइस फिलिंग पे जब आप जाएंगे तो देखिए, चॉइस फिलिंग पे जाने पर इस तरह का एक पेज आपके साथ ओपन होगा, और इसमें पूरे के पूरे ये 11 एनआईटीज के नाम है और प्लस सेल्फ फाइनेंस, इस तरह से 13 ऑप्शन आपके पास यहां पर आएंगे, नीचे करिएगा, और इन 13 ऑप्शन को आप या तो सेव कर सकते हैं लॉक। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप सेव करके रख लीजिएगा, लॉक आप फाइनली जब आप ये डिसाइड कर लें कि नहीं मुझे यही कॉलेज का ऑर्डर रखना है तो उसे लॉक कर दीजिए। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं हर किसी स्टूडेंट के, कि सर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रखें, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, और सर मुझे तो वारंगल ही जाना है, या मुझे इलाहाबाद ही जाना है, या मुझे मेरे घर वाले बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसे कई सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप इसको सेव करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद ही जब आप लॉक करें तो ये श्योर हो जाए कि अब आप कोई चेंज नहीं करना चाहते, इसके अलावा इसके में कुछ भी नहीं करना। अभी अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है, और 24 से 28 तक का समय है, 25-26 के बीच में करिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि नॉर्मली चॉइस फिलिंग का फॉर्मूला क्या रहता है, वो समझ लीजिए कि जब आपको एक वन आपको एक ऑर्डर देना होगा कि नंबर वन पे क्या, नंबर टू पे क्या, नंबर थ्री पे क्या, नंबर फोर पे क्या, नंबर फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन और 11। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, फिर भी इन जनरल जैसे बच्चे सबसे पहले एनआईटी त्रिची भरते हैं। एनआईटी त्रिची के बाद अक्सर लोग एनआईटी सूरत कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर हमको तो इलाहाबाद ही जाना है, या हमको तो कैलीकट ही जाना है, या हमको तो सपोज वारंगल जाना है। तो बी केयरफुल, आपको अगर ये क्लियर है कि आपको कहां जाना है तो आप इवन फर्स्ट ऑप्शन में भी वो रख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके फर्स्ट ऑप्शन से रखने से नहीं होगा, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर थर्ड नंबर पे नॉर्मली लोग एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी कैलीकट या एनआईटी वारंगल को प्रेफरेंस देते हैं, डिपेंड करता है आपका क्या मन है। फोर्थ नंबर पे नॉर्मली, अब जैसे मैंने ये बताया आपको ये फर्स्ट है तो ये अगर सेकेंड है तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक ये चला गया। फिर नॉर्मली लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र का सेल्फ फाइनेंस और प्लस कुरुक्षेत्र का मेन कॉलेज या फिर मैनेट भोपाल को प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद इन जनरल अभी क्योंकि एनआईटी पटना बढ़ गया है तो एनआईटी जमशेदपुर या एनआईटी पटना को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो एनआईटी रायपुर और एनआईटी अगरतला को लोग देते हैं, मतलब ये एक ऑर्डर हो सकता। अब इस ऑर्डर में आप में से कोई भी बच्चा कोई भी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है, डिपेंड ऑन कि उसे जाना कहाँ। जैसे अक्सर बच्चे जैसे त्रिची मान लीजिए, सूरतकल, इलाहाबाद, कैलीकट, वारंगल,
एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर और एनआईटी अगरतला, ऐसा रख सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि आप सेव करें, लॉक ना करें। तो ये आपकी चॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या कॉलेज मिलेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जितनी हायर रैंक होगी, मतलब जितनी टॉप रैंक होगी उतने आपको एडवांटेज होंगे, जितनी आपकी रैंक पीछे होगी उतने नीचे जाना पड़ेगा। जब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आता है तो मैक्सिमम बच्चे जिनके फर्स्ट सेकंड चॉइस होती है, उसके अलावा सभी लगभग अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड में थोड़ा बहुत चेंज होता है, सेकेंड राउंड के बाद भी अपग्रेड होता है, पर उसमें बहुत ही रेयर चेंज होता है। तो ये एक ऑर्डर मैंने आपको टेंटेटिव दिया। अब आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना है। कोई भी एनआईटी खराब नहीं है, हर एनआईटीज में प्लेसमेंट अच्छे हैं। थोड़ा सा लोग रायपुर और अगरतला को सबसे लास्ट में इसलिए नहीं लेते कि प्लेसमेंट कम है, इसलिए लेते हैं कि प्लेसमेंट कम होने के साथ साथ हाई पैकेजेस नहीं मिलते। अच्छा, अब हैदराबाद। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर हैदराबाद लें या एनआईटी कुरुक्षेत्र लें, हैदराबाद लें या भोपाल लें। सबसे पहली बात कि हैदराबाद के लिए अभी कोई ओपन नहीं हुआ, तो अभी तो आपको केवल चॉइस फिलिंग ही करनी है। जब हैदराबाद का ऑप्शन आएगा और उस समय आपको कौन सा एनआईटी अलॉट हुआ वो देखना है। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है और एनआईटी टेक्निकल कॉलेज है। यहां पर नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा विजिट करती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर ज्यादा है। इस डजेंट मीन की हैदराबाद यूनिवर्सिटी बुरी है। नॉर्मली लोग एनआईटी अगरतला और रायपुर के पहले हैदराबाद को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज किसी भी एनआईटी में जाना पसंद करते हैं। तो ये एक मैंने आपको जनरल आइडिया दिया, तो आप इस छोटे से आइडिया को ध्यान रखिए कि इस ऑर्डर में चलिएगा। अगर मैं आपको एक ऑर्डर और बता देता हूं कि किस किस रैंक पे क्या क्या मिलने के चांसेस हैं, पर ये इस चीज को अगर दिमाग में रख के चलेंगे तो ठीक है। अब इसमें कोई चेंज का, आप जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा है कि त्रिची मिला तो ठीक, नहीं तो मैं कैलीकट जाऊंगा, तो आप कैलीकट रख दीजिए अगर आपकी रैंक 100 है तो। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर मुझे वारंगल जाना है, तो आप वारंगल ले लीजिए। तो ये ऑर्डर को आपको प्लान करना है और अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर मैं आपके सामने ये जो मैंने बनाया ये अक्सर लोग फॉलो करते हैं, पर इसमें आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जैसे एक बच्चा है जिसका कहना है कि सर मुझे तो इलाहाबाद में ही एडमिशन लेना है, मुझे चाहे त्रिची भी मिल रहा, तो वो इलाहाबाद भर सकता है। अगर कोई बच्चा बोलता है मुझे कैलीकट में लेना है, अपने नेटिव प्लेस में या भोपाल में लेना है, तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। पर मैं आपको सलाह यह दूंगा कि आप जितने ऊपर के एनआईटी में जाएंगे उतना अच्छा है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ट्राई करिएगा कि त्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद, कैलीकट, वारंगल, इनमें ऊपर नीचे होता रहता बेटा, ये ध्यान रखना। ये तीनों में, इलाहाबाद, कैलीकट और वारंगल में काफी ऊपर नीचे होता रहता है। कुरुक्षेत्र, भोपाल में भी आगे पीछे होता रहता है। फिर लोग जमशेदपुर जाते हैं, पटना, क्योंकि न्यू एनआईटी है, एनआईटी अच्छा होगा, बीटेक के लिए एनआईटी पटना अच्छा माना जाता है, पर क्योंकि नया नया कोर्स है तो जमशेदपुर और पटना में आगे पीछे चलेगा, और फिर रायपुर और इलाहाबाद पे आप जा सकते हैं। अब एक टेंटेटिव आइडिया दे सकता हूं कि अगर आपकी, मान लीजिए जनरल की रैंक 45, ये मैं बता रहा हूं सेफ साइड, मतलब ये बिल्कुल श्योरिटी वाली मतलब बात है कि अगर आपकी रैंक 45 तक है ओपन में और 47-48 तक में एनआईटी त्रिची मिलने के चांस है, बट 45 भी गया हुआ है, अगर एक भी बच्चा कैटेगरी वाला नहीं हुआ, या डिपेंड ऑन करता है, फिर ईडब्ल्यूएस में 70 से 110 तक जा सकता है। ये लोअर लिमिट का मतलब होता है, इस पे सेव हो यहां तक जा सकता है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 80 से लेके 130 तक जा सकता है। ओबीसी की बात, एससी की बात करें तो 1000 से लेके 2000 के बीच में कई बार जाता है। ये ओपन रैंक है। जैसे आज मुझे एक बच्चे ने फोन किया कि सर मेरी, आपने बोला था कि 700 ओबीसी रैंक पर रायपुर मिल जाएगा, पर मुझे तो लगता नहीं मिलेगा। तो वो ओपन रैंक देखना, अपनी कैटेगरी रैंक नहीं, कैटेगरी में आपकी रैंक अच्छी होगी। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक एससी की 1000 है, तो ओपन रैंक, तो उसकी एससी में हो सकता है 10, 15, 12 हो, तो वो रैंक नहीं, तो मैं ओपन रैंक के हिसाब से बता रहा हूं। यहां पर एसटी की बात करें तो लगभग 3000 रैंक तक मिल सकता है, यानी इस रैंक वाले बच्चों को इस कॉलेज के मिलने के हायर साइट हैं। ये मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर आप जाएंगे सूरतकल पे, तो सूरतकल की बात की जाए तो लगभग 80 से 110 तक ओपन को मिलेगा, 100 से लेके 140 के बीच में ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, 110 से लेके 170 तक ओबीसी को मिलेगा,
1000 से लेके 2000 तक एससी और 1500 से लेके 3000 तक एसटी वालों को सूरत कल मिल सकता है। सिमिलरली अगर इलाहाबाद की बात की जाए, तो इलाहाबाद में लगभग 150 से 210 तक ओपन वालों को, करीब करीब 180 से 270 तक ईडब्ल्यूएस, करीब करीब 200 से 310 तक ईडब्ल्यूएस वो सॉरी ओबीसी, 1000 से 2500 तक एससी और 1500 से 3500 तक एसटी वालों को इलाहाबाद मिलने के चांस है। इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड भी होता है। कई बार बच्चे सेकंड नंबर के ट्रेंड में इलाहाबाद ले लेते हैं, कभी सूरत कल ले लेते हैं, कभी कैलीकट ले लेते हैं, कई बार अलग अलग कॉलेज का ट्रेंड चलता है। त्रिची आज भी ऊपर ही जाता है, बाकी का कॉलेज का ऊपर नीचे ट्रेंड होता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्लेसमेंट, तो ये प्लस माइनस हो सकता है। फिर बात करूं अगर वारंगल की, तो वारंगल देखिए कितनी हाई रैंक पे क्लोज होता है, इसका मतलब वारंगल सेकंड थर्ड राउंड पे, कई बार फोर्थ राउंड सेकंड थर्ड पे भी लोग च्वाइस रखते हैं। तो अगर वारंगल की बात की जाए तो वारंगल 150 से 330 की रेंज में जाता है ओपन में। ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो 200 से 275 300 तक भी जा सकता है, 350 तक भी जा सकता है अगर थर्ड फोर्थ राउंड में लोगों ने भरा तो। फिर वारंगल के बाद बात करूं अगर मैं ओबीसी में, तो ओबीसी में 250 से 350 तक जा सकता है और यहां पर एससी में 2500 एसटी में 3500 तक जाने के चांसेस है। वारंगल के बाद बात करूं कैलीकट की, देखिए कई लोग वारंगल के बाद कैलीकट की च्वाइस लेते हैं, कैलीकट 501 रैंक तक भी गया हुआ है तो डिपेंड करता है, पर अभी कैलीकट अच्छी रैंक पर जा रहा है तो कैलीकट के लिए 250 से 400 के बीच में रैंक होना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी 350 रैंक है और आपको कैलीकट नहीं मिला, तो आप ये मत बोलना सर आपने तो बोला था, मैं लोअर साइड बता रहा हूं, चांसेस है, कुछ भी अप डाउन होते रहते हैं, थोड़े बहुत प्लस माइनस होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ईडब्ल्यूएस में देखूं तो 450 तक भी जा सकता है, मतलब 250 से 450 के बीच में। अगर ओबीसी की बात करूं तो 300 से 350 तक जा सकता है, एससी की बात करूं तो 2500 तक, एसटी की बात करूं तो 3500 तक। कैलीकट के बाद बात करूं तो पटना का भी कुछ आइडिया नहीं है, पर पटना इस बार मुझे लगता है 400 से 600 की रैंक में, यहां पर भी 400 से 600 की रैंक में, यहां 400 से 700 की रैंक में पटना के चांसेस हैं, यहां पर 3000 तक और यहां पर 3500 तक, पर डिपेंड करता है, पटना के दोनों कॉलेजेस का लगभग यही रहेगा। फिर बात करते हैं कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र लगभग मान लीजिए कि 350 से 450 ओपन में, ईडब्ल्यूएस में 350 से 500 तक जा सकता, पटना बड़ा इसलिए, ओबीसी में 400 से 500 की रेंज, यहां पर 3000 और यहां पर लगभग 5000 की रेंज तक जा सकता है। सेल्फ फाइनेंस का भी लगभग यही रिकॉर्ड रहेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं भोपाल की, देखिए भोपाल भी अच्छी तरीके से फिल होता है, यानी 364 पे ही क्लोज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इन जनरल भोपाल की बात करें तो 300 से 450 की रेंज होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 400 से 500 तक जा सकता है, यहां पर बात करूं तो 450 से 500 तक, यहां पर 3000 एससी एसटी की बात करूं तो 5000 तक जा सकता है। फिर बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर इस बार आप मान के चलिए कि 500 से 600 की रेंज ले सकता है, प्लस माइनस जो भी होगा, यहां पर आप बात मान के चलिए 500 से ये भी सेम 600 तक, एंड दिस इज 550 टू 650 के बीच में ओबीसी, 3500 तक एससी और 5000 तक एसटी पे जा सकता है। जमशेदपुर के बाद रायपुर की बात करूं तो रायपुर देखिए थर्ड राउंड में 624 गया था, है ना, 594 से, तो इस बार मान के चलिए 600 से लेके 700 की रेंज ले सकता है। यहां पर बात करूं तो ये 700 की रेंज लेगा, अगर इसमें बात करूं तो 750 की रेंज, यहां पर 3500, यहां पर 5500। ये एक टेंटेटिव आइडिया। अगरतला की बात करूं तो 679 हायर रेंज गया है, इसका मतलब इस बार 600 से 750 तक, यहां पर बात करूं तो 750 तक मैक्सिमम होगा। यहां पर बात करूं ओबीसी के बाद, सॉरी ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी तो 800 तक जा सकता है
और एससी की बात करूं तो 3500, एसटी की बात करूं तो 5500। ये एक मैंने आपको टेंटेटिव फिगर दिया, इसमें कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि क्या होता है जैसे इस बार अगर हम देखें तो 480 से 550 के बीच में बहुत बच्चे हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट की डेंसिटी ज्यादा है। दूसरा, अगर किसी के रैंक 500 है और वो ईडब्ल्यूएस वाला भी है, तो अब डिपेंड करता है कि कैटेगरीज में कितनी कितनी रैंक है। तो एक टेंटेटिव मैंने आपको आइडिया दिया, बाकी 951 सीट्स हैं और हैदराबाद मिला लें तो 1000 सीट्स हैं। अब 1000 रैंक के ऊपर, 1000 प्लस रैंक के ऊपर या 1000 प्लस रैंक के ऊपर ईडब्ल्यूएस ओपन और ओबीसी के मिलने के चांस लगभग निगलिजिबल है। एससी एसटी के लगभग 3000-4000 तक चला जाता है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एक आईपीयू, जिसके लिए मैं एक आपका अलग से सेशन लूंगा, सब कुछ बताऊंगा, या एचबीटीयू। एचबीटीयू केवल उन बच्चों के लिए है जो यूपी या 10th से ग्रेजुएशन तक यूपी में प्रिपरेशन किया है। और अभी आपके पास बचे हुए ऑप्शन है सीटी या डीयू या बीएचयू या जेएनयू। आपने अभी जामिया का पेपर दिया, मैंने जैसा बोला था कि निमसेट का पेपर अगर सॉल्व कर रहे हो तो जामिया में अच्छा करोगे, बिल्कुल वैसे ही था, इससे लेवल इजी था। इस पेपर को छोड़ दें, इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, तो इन तीनों का सिलेबस के लिए आप निमसेट की ही पढ़ाई करें। तो अगर आपकी रैंक 1000 के ऊपर है तो पढ़ाई चालू कर दें, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। और आप सभी को एक बात बोलूंगा, ये मैंने जो आपको आइडिया दिया ये बहुत ही टेंटेटिव है, इसमें आप लोग अपनी कॉलेज प्रेफरेंस की चेंजेस प्लस माइनस कर सकते हैं। जो मैंने आपको एक पॉसिबल रैंक बताई वो भी प्लस माइनस हो सकती है, एक टेंटेटिव जो पिछले सालों के ट्रेंडिंग को देखें हम, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो आप चॉइस फिलिंग करिए, पर उसमें जल्लेबाजी मत करिए, अभी केवल उसको सेव करिए, लॉक आप करिए मेरे ख्याल से 27th को, 28 लास्ट डेट है, जिससे कि आपको अगर ऐसा लगे किसी ने बोला कि भाई तुम वारंगल क्यों जा रहे हो, वारंगल की जगह कैलिकट ऊपर रखो, तो वो चेंज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा अगर एक बार लॉक कर दिया। या आपने वारंगल रखा, कोई ने बोला कैलिकट को ऊपर रख लो, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।